जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी के बारे में जो रिसेंटली आने वाली है, ठीक है। तो इससे पहले आप सभी को इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी पता होनी चाहिए जो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी के बारे में कि कब से आप सभी के आवेदन शुरू हो रहे हैं, क्या एज लिमिट रहेगी और फ्रेंड्स आवेदन क्यों नहीं शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल डेट उसमें कैलेंडर में आई थी उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो डेट थी उसके यहाँ पर आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। तो क्या इसमें प्रॉब्लम आई है वो भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप भी यहां पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक को बिल्कुल पढ़ सकते हैं जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए रहने वाली है। जी हां दोस्तों, इस बुक में आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ये दोस्तों बुक काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को ज़रूर परचेस कीजिएगा। इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी अपने नज़दीकी बुक सेंटर से आप इसे परचेस कर पाएंगे। और दोस्तों साथ में आता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, जो दोस्तों दोनों बुकों का कॉम्बो है। इन दोनों बुकों का कॉम्बो को दोस्तों आप परचेस कर लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों ये चक्षु पब्लिकेशन की दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में, कब से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दूँ, नंबर 6 पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर 6 पर आप सभी को दिखाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिखा है यहाँ पर, आप देखिए। और यहाँ पर देखिए इसके जो आवेदन है वो 27 जून 2022 से शुरू हो रहे हैं और 26 जुलाई 2022 तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप सभी को जो है दोस्तों 27 जुलाई 2022 दिखा रहा है, लेकिन 27 जुलाई 2022 निकल चुका है लेकिन आवेदन क्यों शुरू ही नहीं हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए इसके दोस्तों एग्जाम अक्टूबर 2022 में कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूं क्यों शुरू नहीं हुए हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक जो दिल्ली पुलिस की जो ये टीम है जो भी दोस्तों काम करती है वहाँ पर, वो दोस्तों अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई है उसमें उलझी हुई है। उसमें कुछ दोस्तों ऐसी बातें हैं क्योंकि बहुत से लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर उसमें टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों साइट पर अभी तक जो है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी का अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कुछ दिनों के अंदर यानी दोस्तों अभी 2-3 दिनों के अंदर जो है अपडेट आ जाएगा। आप सभी को अपनी तैयारी पर फोकस करना है। अब बात करेंगे दोस्तों इसमें कि भाई एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है, क्योंकि एज लिमिट को लेकर काफ़ी बंदे परेशान रहते हैं। तो देखिए दोस्तों 18 से लेकर 23 साल इसमें एज लिमिट रहेगी, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये जनरल की एज लिमिट है, ठीक है, ये जनरल वालों की एज लिमिट है। वहीं दोस्तों बात करें 18 से लेकर 26 साल, ये दोस्तों आपकी ओबीसी की रहेगी। और वहीं बात कर लें 18 से लेकर 28 साल, ये दोस्तों आपकी एससी एसटी की रहेगी, ठीक है, ये एससी एसटी के लिए है, एससी एसटी के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपकी एज लिमिट रहेगी और एग्जाम आप सभी का जो है देखिए यहाँ पर लिखा भी है अक्टूबर 2022 में कराया जाएगा, ये आपको नज़र भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब आप बोलेंगे सर इसकी जो डेट है इसमें चेंज तो हो गया, तो क्या इसका एग्ज़ाम भी चेंज होगा? तो देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में 4-5 दिनों का अंतर ही आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अक्टूबर नवंबर अब आप मान के ये चले कि अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। ये 2 मंथ हैं, अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों आप अपनी तैयारी को फोकस कीजिएगा। अगर आप दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये हमारा एप्लीकेशन है जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन में शो हो रहा है, स्टडी फॉर जीनियस। इसको अभी दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर दोस्तों ये आप सभी को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये डाउनलोड यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी दोस्तों इसको इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि काफ़ी अच्छा ऐप है। इसमें आपको मॉक टेस्ट दोस्तों और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट। और दोस्तों इसमें आप सभी को जो क्यूज वगैरह होती हैं दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल ड्राइवर की वो मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे इसमें जो एग्जाम होते हैं आपके दोस्तों, चाहे एसएसबी का एग्जाम हो, ड्राइवर का एग्जाम हो, कॉन्स्टेबल का एग्जाम हो, एससीएम का एग्जाम हो, एडब्ल्यूपीटीओ का एग्जाम हो, या दोस्तों एसएससी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, तो सभी में दोस्तों ये काम करता है हमारा जो एप्लीकेशन है। इसमें सभी के दोस्तों फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अभी दोस्तों इंस्टॉल कीजिए इस ऐप को प्ले स्टोर से, और काफ़ी अच्छा ऐप है दोस्तों, बहुत से लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। और फ्रेंड्स आपकी बारी है, अभी डाउनलोड कीजिए। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें दोस्तों अपना नाम रजिस्टर करके, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल ड्राइवर की वैकेंसी का दोस्तों बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।